यहाँ तो अलग ही लेवल की भीड़ दिख रही है। यहाँ से निकल के आगे आगे तक गाड़ियाँ दिख रही है ना। तो ये है लोअर मॉल रोड, रावण की मुझे ऐसे होंगी ऐसे करके इस तरीके से आगे को जाना डेक पर बड़ा ही अच्छा लगता है। हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। सो गाइस, आज है 29 सितंबर, शाम के करीब इस वक्त जो समय हो रहा है 5 बजने के आसपास का है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम आज दिन भर रहा है। सो काफ़ी क्राउड होगा शहर में, संडे का दिन है क्योंकि, तो चलिए घूमने निकलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे बड़ी जो खुशी आई है वो मौसम को लेकर गाइस, अब आने वाले दिनों में बारिश नहीं दिखा रहा है बिल्कुल भी। 10-15 दिन आगे तक की अगर हम बात करते हैं ना, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है फिलहाल। इक्का दुक्का अगर एक दो दिन बीच में कहीं अगर मौसम ख़राब होता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी गूगल वेदर सही से चेक कर रहा था, फिलहाल तो अभी नहीं है यार। 15-20 दिन तक तो बढ़िया मौसम है, अगर आ रहे हो तो आप ठीक है। जो लोग बारिश के वजह से परेशान हो रहे थे कि यार बारिश होगी ट्रिप ख़राब हो जाएगा, तो गाइज इट्स अ गुड न्यूज़, अब बारिश नहीं होने वाली है। वैसे अगर एक दो दिन बीच में कहीं बारिश होती भी है ना, तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं अब फिलहाल, क्योंकि अक्टूबर जो आने वाले दिनों में ना मौसम बहुत बढ़िया रहेगा गाइज। अक्टूबर तो नैनीताल शहर का एक तरीके से ना बेस्ट मौसम रहता है, ऑटम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। हल्की हल्की ठंड शाम को होने भी लग गई है, सो जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अब ठंडा शुरू हो गया है और शाम को खासकर ठंडा हो रहा है। शायद ऐसा है दिन में ठंडा इतना नहीं हो रहा है, लेकिन शाम को तो गाइज इवनिंग में थोड़ी बहुत ठंडा होने लग गया है, तो गर्म कपड़े रखोगे तो आपका ही बेनिफिट ज्यादा रहेगा। अभी जितना क्राउड है ना गाइज, कल सुबह तक सारी भीड़ जो है छट जाएगी, फिर मंडे से जो है ना माहौल जो है नॉर्मल टाइप रहता है, फ्राइडे तक का ऐसा ही रहेगा। और एक चीज और है, अक्टूबर जो आने वाला है उसमें क्या ऑफ सीजन रहता है या ऑन सीजन रहेगा गाइज? अक्टूबर भाई सीजन रहता है। इस वक्त तो अभी ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार, उल्टा मुझे ये फील हो रहा है मैं स्वेटशर्ट क्यों पहन के आ गया हूँ। आज सुबह से ही मौसम अच्छा रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा जो वेदर है ठंडा नहीं हुआ। जिस तरीके से कल गाइज हो गया था ना, बारिश रही दिन भर, तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन आज नहीं रहा। देखो ऊपर पूरा ही नैनापिक पहाड़ तो बादलों में ढका हुआ है। इस वक्त जो ट्रैक पे गए होंगे ना, कुछ नहीं दिख रहा होगा यार बादलों के सिवाय। सो आप लोग जब यहाँ घूमने आते हो और आसपास की पहाड़ियों में अगर आपको लग रहा है बादल आदल लगे हुए हैं गाइज, फिर ट्रैक ट्रैक पे मत जाना, वो यूजलेस हो जाता है यार। उतना ऊपर पहाड़ चढ़कर मतलब लोग जा रहे हैं व्यू देखने के लिए, और वहाँ पहुँचे और पता लगा भाई क्लाउड लगे हुए हैं, कुछ दिख ही ना रहा, सो देन यूजलेस है ना यार। बेस्ट यही है जब मौसम ठीक रहता है ना, तो तभी ये जो पहाड़ों के ट्रैक है वो करना ठीक रहता है। तो चलिए थोड़ा लेक साइड को चलते हैं और देखते हैं आज का नज़ारा लेक का। लोअर मॉल रोड में तो काफ़ी क्राउड है यार, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त भी दिख रही हैं। जिस तरीके से कल शनिवार में हाल रहा है ना, तो एग्जैक्ट आज भी नैनीताल शहर का है वैसा ही, सेम ही सिचुएशन है। वही शहर के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक, और शहर के बाहर है वो तो नॉर्मल टाइप ही होगा। थोड़ा रोड क्रॉस करूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ट्रैफिक जो है लोअर मॉल रोड में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इधर से देखो अच्छे से दिख जाएगा, यहाँ से आगे तक गाड़ियाँ दिख रही हैं ना। तो ये है लोअर मॉल रोड का हाल। एक चीज़ मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि रामलीला जो है कौन सी तारीख से शुरू है। गाइस 3 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला जो है शुरू हो रही है, जो कि दशहरे तक रहेगी। अगर आप लोग नैनीताल शहर आते हो तो ज़रूर यहाँ की जो रामलीला है उसका लुत्फ उठाना। 4 जगह होती है यहाँ पर, तल्लीताल, मल्लीताल और सूखा ताल, और इसके साथ एक 7 नंबर जगह है। तो इन चारों एरिया में आप कहीं भी प्रेजेंट होंगे ना पूरे नैनीताल में, तो जाना ज़रूर देखना। अपनी भी रामलीला की रिहर्सल आजकल जोरों शोरों पर चल रही है, तो अगर आप लोग ना सूखा ताल के आसपास रुके हो या आप सूखा ताल आना चाहोगे, तो गाइज मैं तो खैर पर्सनली इनवाइट करता हूँ आप सभी को, ज़रूर आप देखने आना रामलीला। वहाँ पर आप मेरा भी पाठ देख पाओगे रावण का, कैसे प्ले करता हूँ मैं रावण का किरदार। सो हम बोट सेन के पास आ चुके हैं, सामने डेक पर चलते हैं, कोई है तो नहीं, चलो बढ़िया। ये अच्छा लगता है ना इस तरीके से आगे को जाना डेक पर, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे तो, जब कोई आगे खड़ा ना हो। और फिर नैनीताल लेक के दर्शन, वो तो ये रहा नैनीताल लेक का आज का खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी बोट्स दिख रही हैं, शहर में भीड़ भी अच्छी खासी है यार। तो वहाँ तो भाई बादल ही लगे हैं पहाड़ पर, लेकिन कितने बढ़िया विजुअल देखने को मिल रहे हैं ना। ऐसा है ना, आप किसी भी कोने में खड़े हो गए ना और कहीं से भी शहर को निहारोगे गाइज, ये शहर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा यार। और है ऐसा, पता नहीं क्या बात है शहर में, और पता नहीं क्या ही मैग्नेट है कि लोग ना दूर दूर से खींचे चले आते हैं इस शहर को देखने के लिए।
तो बढ़िया है। खैर यार, हमारा तो खैर रोज का है तो मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है ये शहर, क्योंकि रोज़ की आदत है ना इन्हीं पहाड़ियों को देखना, इसी लेक को देखना। लेकिन जो लोग दूर है इस शहर से गाइस, उनको लिटरली बहुत ज़्यादा अमेज करता है ये शहर। फुटपाथ बाजार में आ गया हूँ, यहाँ तो अलग ही लेवल की भीड़ दिख रही है। यहाँ से निकल के आगे चलने हैं थोड़ा फुटबॉल मैच देखने के लिए, लेकिन भाई यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, हल्के हल्के चलते रहो। आजकल ना शहर का मौसम ऐसा हो जाता है, दिन में पता नहीं लगता कि ठंडा होगा, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना गाइस, सबकी जैकेटें निकल आती हैं। तो अभी काफ़ी जो लोकल लाइट्स मुझे जैकेट में ही दिख रहे हैं, हालांकि मैं स्वेटशर्ट पहन के आया हूँ। अभी जो फुटबॉल मैच चल रहा है ये है एक सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चे और दूसरे, पता नहीं यार दूसरों का समझ नहीं आ रहा, अभी एक हाथ से पूछता हूँ, कोई होगा तो इधर इनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ की बड़ी हंसी आ रही है भाई, आज जो 50 रुपये घुसेड़ के ऊपर वहाँ गया होगा ना नैना पिक ट्रैक के लिए, गाइस ऐसा ही मौसम हो रखा है, बादल बिल्कुल भी नहीं हटे हैं यार, झंड हो गई होगी वो ऊपर, वहाँ पीक पे पहुँचोगे करोगे यार भाई कहाँ कुछ नहीं दिख रहा, आप कहते हो मैंगो शेप नैनीताल लेक दिखती है और ये तो भाई सिर्फ कोहरा कोहरा ही दिख रहा है। गुप्त सूत्रों से पता लगाया जो दूसरी टीम है वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो एक सैम और एक सैनिक, और जो अभी स्कोर चल रहा है 2-1, जो घोड़ाखाल टीम है उसने 2 गोल मार दिए हैं और जो सैम है उसका 1 है। तो मेरे ख्याल से हाफ टाइम हो चुका है, थोड़ा 10-15 मिनट का समय बचा है, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। बैक टू दी होम, और बिल्कुल अब अंधेरा होने को आ ही गया है, अब एक आध घंटा रेस्ट करेंगे। रात के करीब 7:30 हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपनी रामलीला की रिहर्सल के लिए। आ चुके हैं हम रिहर्सल हॉल में। अरे मेरे आते कुछ हो नहीं रहा क्या? नमस्कार नमस्कार, सभी से प्रणाम करा। अभी हो रहा है लक्ष्मण और इंद्रजीत मेघनाथ संवाद, चलिए सुनते हैं। आज जितने भी जोश और जोश वाली परफॉर्मेंस है ना वो हो रही है, तो आप सुखाओ मारे जा रहे हैं तो आप उनको सुन रहे हैं। माता सीता को लाया गया है और जो अब हो रहा है संवाद, यह बोला जाए माता सीता जो गीत गा रही है, वन स्त्री वाला जो सेगमेंट है वो अब गाइस, अब परशुराम और लक्ष्मण संवाद की बारी आ रही है, तो अब थोड़ी देर वो सुनते हैं। बैक टू दी होम, आज खैर मैं गाना नहीं गा पाया, दरअसल भीड़ इतनी थी ना तो मुझे मौका मिल भी नहीं पाया, और मैंने इतना ज़्यादा गा भी लिया है
तो देते हैं कोलो रे बावरे अभी तृष्णा तो गिर जाती मतलब क्या करना चाह रही थी तो कि सुपरमैन बनना चाह रही है देख रहे हो बावरे मुझे डरा दिया तृष्णा गाइस दो आज दो चोटी बना रखी थी तृष्णा दिखा तो दो तुमने दो चोटी दिखा दो लगी तो नहीं, नहीं। तो दो चोटी तृष्णा ने आज बना रखी है इसकी मैं मूछें बना सकता हूँ एक बार दिखाना तो रावण की मूछें ऐसे होंगी ऐसे करके ऐसी होंगी तृष्णा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी बियर्ड से तो कुछ दिन की बात है अभी 3-4 दिन और है फिर एकदम क्लीन शेव हो जाऊंगा मस्त लगूंगा एकदम हीरो टाइप ठीक है तो ठीक हो गया गाइस देन दिस इज इट फॉर टुडे आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एट लास्ट आपको क्या कर रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में तब तक के लिए टाटा।